हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन बिहार GS से है, बिफोर इंडिपेंडेंस हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। इंडिपेंडेंस से पहले बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट है सर थॉमस, सेकेंड सर जेम्स डेविड, थर्ड जयराम दास दौलत राम, फोर्थ नन ऑफ दी एबव। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर थे सर जेम्स डेविड और आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर थे जयराम दास दौलत राम। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। फर्स्ट BL अग्रवाल वर्सेज RS अग्रवाल, सेकेंड है KS कृष्णा वर्सेस कृष्णन, थर्ड है डॉक्टर S दत्ता वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फोर्थ जवाहर वर्सेस शत्रुघ्न सोनार। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये बताया गया है डॉक्टर S दत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इंपॉर्टेंट केस है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। फर्स्ट फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग ए पीनल लॉ, सेकेंड फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉ एंड नॉट फॉर एनफोर्स सिविल राइट, थर्ड है ओनली फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज, फोर्थ फॉर एनफोर्सिंग सिविल राइट्स एंड पीनल लॉज। फ्रेंड्स, ये क्लियर बताया गया है सेक्शन 4 में, याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ग्रांट ए डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर कोर्ट इज। फर्स्ट डिस्क्रिशनरी, सेकेंड मैंडेटरी, थर्ड आर्बिट्रेरी, फोर्थ ऑब्लिगेशन। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, डिस्क्रिशनरी होता है कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविज़ो टू सेक्शन 34 डील्स विद। सेक्शन 34 का प्रोविज़ो, फर्स्ट है डिक्लेरेटरी सूट, सेकंड इंजंक्शन सूट्स, थर्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, 34 के प्रोविज़ो में डिक्लेरेटरी सूट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट मैंडेटरी इंजंक्शन, ये भी सही है 39 में है, सेकंड परपिचुअल इंजंक्शन 37 में है, ये भी सही है, थर्ड है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड 41 में बताया गया है, ये भी सही है, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 19 में नहीं है। और इसके साथ एक चीज़ और याद रखिए कि ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ SRA 1963 प्रोविज़न रिगार्डिंग परपिचुअल इंजंक्शन हैज़ बीन मेड। सेक्शन 31, 34, 38 या 39। फ्रेंड्स, परपिचुअल इंजंक्शन बताया गया है 37 में और परपिचुअल इंजंक्शन हैज़ बीन मेड ये बताया गया है 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRA केम इनटू फोर्स ऑन। SRA कब लागू हुआ था? 13 दिसंबर 1963, 1 मार्च 1964, 13 मार्च 1963 या 1 जनवरी 1963। का करेक्ट आंसर होगा 13 मार्च 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च नहीं गाइस, 1 मार्च 1964 को हुआ था। 13 दिसंबर 1963 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी और 1 मार्च को ये लागू हुआ था, 1 मार्च 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ट्रस्टी इज डिफाइंड इन SRA 1963। फर्स्ट नॉट डिफाइंड, सेकंड इन सेक्शन 2D, थर्ड एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, फोर्थ बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि ये सेक्शन 2D में डिफाइंड है और ट्रस्टी इंक्लूड करता है एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटिफ हु विदाउट हैविंग टाइटल फाइल्ड ए सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेन डिस्पोजिशन बेस्ड ऑन लॉन्ग पोजिशन। फर्स्ट बिकॉज देयर इज नो टाइटल प्लेंटिफ मे बी डिस्पोजिस्ड, सेकेंड लॉ रेस्पेक्ट्स पोजिशन प्लेंटिफ कांट बी डिस्पोजिस्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, थर्ड सूट इज नॉट मेंटेनेबल,
फोर्थ, सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल ओनली फॉर द रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शंस. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड. लॉ रेस्पेक्ट्स पजेशन, प्लेंटिव कैन नॉट बी डिस्पजेस्ड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ. फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन. कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल.